गुड मॉर्निंग बच्चों, आज ऑप्टिक्स के इस क्लास में आपको एक्सप्रेशन बताने जा रहे हैं जो कि एक्सप्रेशन और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू सेपरेटेड लेंस बाय डिस्टेंस। दो लेंस है जो एक डिस्टेंस पर है, इसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। यहां पर देखिए L1 और L2 दो कोएक्सियल लेंस है, इस पे इनकमिंग रे पी से आता हुआ इस पर एक टच करता है, अगर ई नहीं आता है तो F2 पर फोकल करता है। अगर इस लेंस के साथ दूसरा का L2 जुड़ जाता है तो PA से आने वाले किरणें एक टच पर, यहां पर पी टच करते हुए F2 पर फोकस करता है। लेकिन हमें कल्पना करना है कि A और B न होकर के एक लेंस पी है जो इसका टच करता है इस हाइट पे, तो यही जो लेंस होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा। यहां पर हम देखेंगे इसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है 1 है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 है, और इक्विवेलेंट जो लेंस आएगा इसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। अब हम देखते हैं क्या इंटर एंगल ACD में एक्सटर्नल एंगल है, Δ1 + Δ2 = Δ, और ए लेंस इसकी इक्विवेलेंट है, इसे पहले हम Δ = H/F लिखेंगे, Δ1 = H1/F1 और Δ2 = H2/F2। इसलिए कि एक पीक की ऊंचाई H1 है, इसकी ऊंचाई H2 है। चलिए और हम आगे वीडियो देखते हैं। यहाँ पर हम दो ट्राइंगल पर विचार का है, A L1 F2 B L2 F2, दोनों क्या है समरूप है, कंग्रुएंट है। तो E हाइट H1 by L1 F2 H2 by L2 F2 H1 by F1 = H2 F1 - E, क्योंकि यहाँ की पूरा जो दूरी F1 है, एक दूरी डिस्टिंग हट गया तो F1 - D हो गया, H2 = H1 × F - D / F1। अब हम जैसा कि जानते हैं Δ = Δ1 + Δ2 पुट करते हैं, H1 / F1 + H2 / F2, H2 का मान यहाँ पर हम निकाले पुट कर देते हैं, H1 = H1 / F1 + H1 × F1 - D / F2 × F1, कैलकुलेट करते हैं H/F = H1 / F1 + H1 / F2 - H1 / D / F1 / F2। चूंकि H और H1 सभी का मान वैल्यू बराबर है, इसलिए H आप कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर कैंसिल कर दिया तो 1/F यहाँ होगा, 1 सा कैलकुलेट करते जाए 1/H1 F1 होगा प्लस H/F1 है तो 1/F2 होगा, माइनस ये कैंसिल हो गया D / F1 × F2। इस प्रकार हम पाते हैं कि 1/F = 1/F1 + 1/F2 - D / F1 × F2। यही है एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकस लेंस। हम समझते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक